मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जान डालने के लिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क में बदलाव करने की तैयारी में है। इसका मकसद रोजगार के मौके बनाना और टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है। ये बात वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। उन्होंने 6 साल पुरानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की व्यापक समीक्षा करने का भी आदेश दिया है। इस पॉलिसी को पिछली यूपीए सरकार ने शुरू किया था। सीतारमण का मानना है कि मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए सुधार को देखते हुए ये पॉलिसी अब बेकार हो चुकी है। सरकार विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को खत्म किए जाने के साथ विदेशी निवेशकों के लिए मंजूरी मिल चुके सेक्टरों में मल्टीपल क्लियरेंस की जरूरत खत्म करने की योजना बना रही है। सीतारमण ने कहा है कि कैबिनेट इस प्रस्ताव पर जल्द विचार करेगी। उन्होंने कहा, पॉलिसी 2011 में बनी थी। अगर मेक इन इंडिया, FDI और कारोबार करने में सहूलियत बढ़ाने से जुड़े सुधार लागू होने के बाद भी पुरानी पॉलिसी ही हमें रास्ता दिखाएगी तो हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय उत्पाद नीति को शुरू करते वक्त लक्ष्य रखा गया था कि साल 2025 तक GDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 18% से बढ़ाकर 25% कर लिया जाएगा। इस पॉलिसी की घोषणा तब की गई जब निर्माण उत्पादन की दर 1% से भी नीचे चली गई थी। मोदी सरकार मेक इन इंडिया के जरिए मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा जोर लगा रही है। औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग पुरानी नीति की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा का जोर छोटे और मझोले उद्यमों पर होगा जिन्हें ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। सीतारमण ने GIPP से देश की टॉप 150 इंडस्ट्री के साथ चर्चा करने और एक दिन की वर्कशॉप करने को कहा है। इसमें हर सेक्टर के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा ताकि अगले चरण के लिए उनकी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, API।